हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई साहब, मैं बड़े अरसे के बाद एक फूड व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेटिस्फेक्शन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में। ये मौजूद है सत्याना रोड पे, जो आइडियल बेकरी है बिल्कुल उसकी बैक साइड पे। इनके पास मैं तकरीबन पिछले कोई 20-25 दिनों से आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पा रहा ड्यू टू बिजी रूटीन। आप लोगों को पता है शूट्स वगैरह भी साथ साथ चल रहे हैं। इनके पास आने की वजह यह है कि इनका बारबेक्यू थाल या बारबेक्यू मंदी जो है ना, वो फैसलाबाद में वर्ल्ड फेमस है। फैसलाबाद में बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास बारबेक्यू थाल या बारबेक्यू मंदी मौजूद है। इनकी जो मंदी का रेट है वो तकरीबन 1300 रुपये, लेकिन उसमें जो वैरायटी ऑफ फूड मिलता है ना, वो बहुत ही क्लासी मिलता है। जब टेस्ट हम करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और उस तरफ हमारा जो है ना, वो खाना रेडी हो रहा है। आप लोगों को बताता चलूँ कि फूड व्लॉग तो आ ही रहा है बड़े अरसे के बाद। ज़ुबैर भी हमारी वीडियो में आया और उस तरफ जो है हमारा फूड रेडी हो रहा है। भाई साहब, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारबेक्यू जो है ना, वो रेडी हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, और जो उसकी खुशबू आ रही है ना, मुझे ना बहुत भूख लग रही है इस खुशबू की वजह से, तो मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। तौसीफ भाई कितना टाइम लगना है? और तौसीफ भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो उम्मीद करते हैं बड़ा मज़े का होगा सारा खाना। खुशबू जो है ना भाई साहब, खाने का भी टाइम है, डिनर का भी टाइम है, तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। ओके जी, तौसीफ भाई जो है ना, ये बाकियों के ऑर्डर्स लगा रहे हैं, ये सारे बाकी कस्टमर्स के। ये वाला जो ऑर्डर्स है ना, ये हमारे हैं। ये गोला कबाब है, ये ग्रीन बोटी है, ये शीश्टोक है, ये शीश्टोक है और लेग है। कभी कभी ना आप खुद को भी चीज़ें आनी चाहिए। तो सी भाई को मैंने कहा आप ज़रा रेस्ट करें, मुझे पंखी जो है ना वो जलने दें। व्यू अच्छा आ रहा भाई दावे। तो सी भाई, ये आपकी ड्यूटी, आप संभालें, शुक्रिया। ले जनाब, तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, खाना ऑलमोस्ट मेरा रेडी, बारबेक्यू रेडी हो गया, अपना फ्रेंच फ्राइज़ और जो राइस है ना वो रेडी हो रहे हैं, तो जल्दी से वो आ जाएँ, फिर वो हमें सर्व करेंगे, फिर हम उसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएंगे पहले तो थंबनेल के लिए, उसके बाद एक छोटी सी टिकटॉक वीडियो बनाएंगे, फिर हम उसके बाद खाना शुरू करेंगे, साथ साथ आपको रिव्यू भी देंगे। थाल आ चुका है, अब इसमें जो है ना वो सारी चीज़ें, मतलब राइस जाएंगी, ये बारबेक्यू का सामान जाएगा, टोटल सर्विंग होगी। तो तौसीफ भाई बिस्मिल्लाह करें। ये जा रहे हैं जी, राइस फ्रेश बने हैं बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। डिटेल्स चेक करें उनकी, अकेला अकेला चावल जो है ना वो नज़र आ रहा है। ओके जी, राइस के साइड पे जो है वो अब फ्राइज की लेयर लगा रहे हैं। ये आया जी सबसे पहले ग्रीन बोटी जी सर, ये आया जी शीश टॉक, ये आया जी लेग पीस, ये आया जी गोला कबाब नंबर 1, ये गोला कबाब नंबर 2 और ये गोला कबाब नंबर 3। इसके ऊपर थोड़ी सी वेजीज आ रही हैं, ये ड्राई फ्रूट डाला जा रहा है। ये जी सॉसेस आ गई, सॉसेस कौन कौन सी हैं? मंदी सॉस है और मिंट सॉस है। थाल हमारा रेडी हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अंदर, अब ना मजीद इंतज़ार नहीं हो रहा, भिजवा दें जी। ओके जी, फाइनली हमारा जो थाल है वो आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से इसको सजाया गया है। इसको देख के ना खाने का वैसे दिल नहीं कर रहा, लेकिन खाना भी ज़रूरी है क्योंकि भूख मुझे बहुत लगी हुई है। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल में जाता चलूँ कि इस थाल में मौजूद है फ्राइज जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की है, वाह माशाल्लाह। साथ ही साथ मौजूद है इसमें ग्रीन बोटी, शीश टॉक, बारबेक्यू लेग पीस, उसके बाद गोला कबाब, राइस है, ऊपर जो है वो गार्निशिंग की गई है वेजीज की, जिसको आप सैलड के तौर पे भी खा सकते हो, साथ ही साथ ऊपर डाले गए हैं ड्राई फ्रूट्स में मौजूद हैं जी आलमंड, बादाम और साथ ही साथ बादाम और मेवा। दो तरह की सॉसेज हैं, एक मिंट सॉस है और एक मंदी सॉस है। ओके जी, अब मुझसे मज़ीद जो है ना वो वेट नहीं हो रहा, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा ये ग्रीन बोटी, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अब ज़रा इसको हम खाते हैं इसी सॉस के साथ, मिंट सॉस के साथ खाते हैं, मिंट सॉस के साथ ग्रीन बोटी का टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का लगेगा, लाजवाब। अब टेस्ट करते हैं हम जी शीश टॉक। शीश टॉक के ऊपर जो है ना वो समझने के टोमेटो की सॉस लगाई गई है, एग्जैक्ट वर्ड कुछ और है, लेकिन आप रेफरेंस के लिए ये समझ लें कि इसके ऊपर लगाई गई है टोमेटो की कोई सॉस। अब हम इसको भी टेस्ट करते हैं,
ओके जी, अब हम इसको रेस करते हैं। यार सॉफ्ट लाजवाब, ग्रीन बॉडी से ज़्यादा जो है ना मेरे मार्क्स जाएंगे इस शीश टॉप को। अब ज़रा हम मंदी सॉस भी तो चेक कर लेना, थोड़ी सी वो स्पाइसी होगी, देखने में तो ये लग रहा है स्पाइसी है लेकिन बहुत मज़े आएंगे। अब जो है ना मेन चीज़ वो है ये गोला कबाब। गोला कबाब का साइज़ चेक करें, और ये इस थाल में ना ये तीन है, देखें कितना ज़बरदस्त और गर्मा गर्म ये है। तीनों चीज़ें जो है ना वो लाजवाब उसका टेस्ट है। अब ज़रा इसको हम थोड़ा सा ना ये मंदी सॉस में और मिंट सॉस में ज़रा टेस्ट के लिए। भाई एंड लाजवाब, राइस भी तो साथ साथ चेक करना है ना। राइस थोड़े से ठंडे हो चुके हैं क्योंकि मैं कब से ही वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग खाते हैं, आप लोग इन्जॉय करें, कुछ और देख लें, बहुत सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं, हम तब तक खा लें। ओके सुबह। A few moments later। तो तुमने वीडियो नहीं अभी तक बंद की, चला रहे हो तब से? अच्छा जी, ये जो बारबेक्यू मंदी है ना, बारबेक्यू जो थाल है, ये टेक्निकली तो तीन लोगों की सर्विंग है, लेकिन जितने मशाला इसमें क्वांटिटी है, राइस की क्वांटिटी, बाकी जो बारबेक्यू की चीज़ें हैं, ये मेरे हिसाब से ना चार लोग ईजीली इसको खा सकते हैं। अब यहाँ पर हम दो लोग हैं, अब मुझे डर है कि ये बहुत सारा खाना जो है ना वो बच जाएगा, लेकिन कोई ना, हम वेस्ट नहीं होने देंगे, हम या तो इसको पैक करवा लेंगे या फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे इसको। हाँ जी जुबैर भाई, ये कैसा टेस्ट है भाई? लाजवाब। अभी तो तुम मसरूफ लग रहे हो बहुत ज़्यादा। खाना शाना हमने खा लिया है, अब बारी है चाय की। डील में मौजूद है जी 3 कप चाय। अब चूंकि हम दो लोग हैं फिर भी हमें 3 कप मिले हैं, तो 1 कप पिएगा जुबैर और 2 कप पीऊँगा मैं, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। उस टाइम चाय की जो तलब हो रही है वो बहुत, क्योंकि खाना खाने के बाद जो है ना वो गुनूद की नींद आना शुरू हो गई है। मज़ेदार। ओके जी, खाना शाना भी हो गया, चाय शाय भी हमने पी ली, खाना बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पाइस लेवल, हर चीज़ बेहतरीन थी। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, आप लोग लाजमी है सेटिस्फेक्शन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में और बारबेक्यू थाल या बारबेक्यू मंदी को एंजॉय करें। प्राइस मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस बारबेक्यू थाल की जो प्राइस है ना वो है 1300 विदाउट टी। अगर आप टी साथ लेंगे तो 1500 का जो है ये पैकेज है। मैं यहाँ पे साइड पे ना पोस्टर भी लगा दूंगा, जस्ट इन केस आप लोगों को डिटेल्स चाहिए तो उसके ऊपर लिखी आएंगी, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा आ जाएगा, आप लोग रब्ता करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, ना तो ये वीडियो पहली है ना ये वीडियो आखिरी है, आते रहेंगे और छाते रहेंगे। बाय।